हेलो दोस्तों, तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आपके बहुत सारे जो पैसे हैं वो खर्च होने से बच जाएंगे उससे। तो आज हम बनाएंगे केक पर डाले जाने वाला ग्लिटर, जो कि बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है और बहुत कम जगह पर मिलता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस ग्लिटर को अब घर में भी बना सकते हैं सिर्फ 1 या 2 रुपए से। तो अब उसको बनाने के लिए ना एक पैन लिया, और पैन में सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। तो 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसमें डालना है 2 ही कप के करीब पानी। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा पानी डालना है और उसे करना है अच्छे से मिक्स। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का हमें रखना है यहाँ पे प्रॉपर ध्यान। तो अपना अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाऊँगे और अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर मिक्स करते जाऊँगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो गया। तो सारा का सारे अब पानी हमें यहाँ पे डाल देना है। तो सारा का सारे पानी हमें यहाँ पे डाल दिया, और एक बार अच्छे से वापस कर लेना है यहाँ पे हमें मिक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद ना अब इस टाइम पे हमें इसे गैस पे चढ़ा देना है। तो गैस पे चढ़ाने के बाद गैस का फ्लेम रखना है यहाँ पे मीडियम। मीडियम फ्लेम रखने के बाद ना इसे रेगुलर स्पैचुला या फिर किसी चम्मच की मदद से चलाते रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको चलाते रहना है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हमारा जो कॉर्नफ्लोर इसमें डाला हुआ है वो बहुत जल्दी जो तले में चिपक जाता है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें। तो अब इसे चलाते चलाते ना 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। तो जब हम इसे 1 से 1.5 मिनट और चला लेंगे तो ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा। तो अब ना इसे रेगुलर मैं यहाँ पे चलाए रही हूँ, तब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे मिक्सचर है उसमें बबल्स उठने शुरू हो गए हैं और ये ट्रांसपेरेंट प्रॉपर हो चुका है। तो अब हमें कितनी देर तक पकाना है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, कि जब आप पकाते पकाते ना साइड में आप देख सकते हैं कि हल्की सी पपड़ी निकल रही है, जिसे बहुत से लोग पन्नी भी बोलते हैं। तो वो पपड़ी जब चारों तरफ से चिपक जाए और निकलने लग जाए ना, तो उस स्टेज पर ना हमारा यहाँ पे ये पक के प्रॉपर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको प्रॉपर एक बार और पपड़ी निकाल के दिखा देती हूँ प्रॉपर इसके, ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में प्रॉपर यहाँ पे इसकी जो पपड़ी है इस तरह से निकल रही है। तो बस अब इस स्टेज पे ना हम हमारा ये जो गैस है उसको बंद कर देंगे और इस जो हमारे ये जो मिश्रण है उसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है जितना ठंडा हमें चाहिए। तो अब ना आपके ऊपर है कि आप इसे कितने कलर में बनाना चाहेंगे। आप चाहें तो 1 कलर में भी बना सकते हैं और चाहें तो 3 से 4 कलर में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 कलर में इसे बना रही हूँ। तो बराबर हिस्सों में सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं बाउल्स में। तो बराबर ना बाउल्स में डिवाइड करने के बाद ना हम इसमें कलर डालेंगे। कलर आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी फूड शॉप में जहाँ पे खाने का सामान मिलता है, नहीं तो मॉल में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 से 2 ड्रॉप के करीब ग्रीन कलर डाला है। तो ग्रीन कलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप के करीब ही रेड कलर। जब भी आप कलर मिक्स कर रहे हो तो आप अलग अलग चम्मच का यूज़ करें, नहीं तो हमारा जो कलर है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो 2 से 3 ड्रॉप के करीब ही डालेंगे हम यहाँ पे येलो कलर। तो आप चाहें तो जो लास्ट वाला बाउल है व्हाइट कलर का वो व्हाइट ही रख सकते हैं। एक व्हाइट भी अपने आप में एक कलर ही होता है, लेकिन मेरे पास कलर थे इसलिए मैंने इसे ब्राउन कलर दे दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे 4 कलर यहाँ पे प्रॉपर तैयार है। तो अब ना एक ट्रे लिए, ट्रे के ऊपर मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया है। तो प्लास्टिक के ऊपर ना हम हमारे घोल को यहाँ पे प्रॉपर डाल देंगे। डालते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आप जब फैला रहे हो तो आपको ना ही ज़्यादा चौड़ा फैलाना है और ना ही ज़्यादा पतला फैलाना है। आपको इक्वल साइज़ में यहाँ पे फैलाना है सभी के। लेकिन जब आप चौड़ा फैलाएंगे तो आपको सूखने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर पतला फैलाएंगे तो वो उतरने में बहुत मुश्किल रहता है इसका। इसलिए आप एक बराबर लेवल में ये जो हमारा कलर है उसको फैलाएंगे। फैलाने के बाद ना अब येलो को भी मैंने अच्छे से फैला लिया। आप देख सकते हैं इतना हमें यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है। तो इसको भी हम रख देंगे साइड में। आपको इसे धूप में नहीं फैलाना और ना ही पंखे के नीचे रखना है। धूप में फैलाएंगे, अगर आप इसे धूप में रखेंगे आप इसे तो ना ये मतलब इसका कलर उड़ जाएगा, और अगर आप पंखे के नीचे रखेंगे तो सूखने के बाद ही अपने आप ही हर जगह उड़ने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ हवा भी आती हो और जहाँ मतलब धूप भी ना लगे इसे। तो अपना 4th कलर को डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आपका ग्लिटर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो 1 दिन के बाद अब हमारा ग्लिटर यहाँ पे सूख चुका है। तो अब ना मैं आपको बताती हूँ कि एकदम इक्वल लेयर फैलाने से क्या फ़ायदा होता है। कि हमारा ग्लिटर यहाँ पे सूख चुका है लेकिन उतरने में कितनी ज़्यादा आसानी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले रेड वाले को देख सकते हैं,
बस ऐसे ही हाथ में लिया और वो उतर गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब आप लेयर को इक्वल बिछाते हैं। तो मिक्सी का जार लिया, उसके अंदर इसको ना तोड़ तोड़ के डाल लेने सारे के सारे ये जो पेपर है उसको। तो अब ना हमें इसका पाउडर बनाना है, तो पाउडर जब बनेगा तो मैं आपको बताऊंगी कितना अमेजिंग यहाँ पे शाइनिंग वाला पाउडर बनकर तैयार है, जो कि इसके लिए हम बाज़ार से कितने ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं। तो सबसे पहले रेड वाले का यहाँ पे आप ग्लिटर, रेड ग्लिटर बनकर तैयार है। तो अब ना येलो ग्लिटर बना लेते हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप नया ग्लिटर बना रहे हो तो आप ना मिक्सी के जार को सूती कपड़े से वापस एक बार पोंछ लें, नहीं तो सारा का सारा ग्लिटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। तो अब ना येलो ग्लिटर भी मैंने यहाँ पे बना लिया। तो उसके बाद अब हम बनाते हैं हमारा ग्रीन वाला ग्लिटर। तो सारे के सारे ये जो ग्लिटर वाले पेपर हैं वो इतनी आसानी से उतर गए, बस किस वजह से कि हमने लेयर को इक्वल बिछाया था, मतलब ना ज़्यादा मोटा ना पतला बिछाया था। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, आपका ग्लिटर भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा अमेजिंग और शाइनिंग वाला बनेगा। तो ये मतलब ग्रीन ग्लिटर भी बन चुका है। तो अब हमारे लास्ट ग्लिटर की बारी, और कॉफ़ी कलर का जो कॉफ़ी ग्लिटर भी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा शाइनिंग यहाँ पे दे रहे हैं हमारी जो केक, पेस्ट्री, कुकीज़। ये ग्लिटर आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी आप इनको इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ये 5-5 रुपए में कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आपके पास कोई भी बॉक्स हो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा ग्लिटर मैंने इस बॉक्स में डाल दिया। ये दिखने में भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन ये जब काम आता है, मतलब बहुत लंबा चलता है। बस थोड़ा सा चुटकी भर ग्लिटर हमें तो ज़रूरत होती है जब हम केक बनाते हैं, कुकीज़ या पेस्ट्री बनाते हैं। इससे ये जब हम लगाते हैं तो उसका लुक ही पूरा बदल जाता है। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो आज की अमेजिंग रेसिपी है ये कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।